हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ गए हैं कि यहाँ पे जो क्लास 12th का है केमिस्ट्री पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर, तो उसमें जितना भी स्ट्रक्चर्स जो भी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और जितना भी चैप्टर में स्ट्रक्चर दिया गया है, तो सारा स्ट्रक्चर यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जितना भी स्ट्रक्चर होगा उस चीज़ को आप लोगों को दिखा दूंगा, और इस चीज़ से आप लोगों को क्या होगा कि एक बार रिवाइज करने में आसानी होगा। तो चलिए आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे लिख दिया गया है कि ऑल स्ट्रक्चर्स जो भी यहाँ पी ब्लॉक एलिमेंट में जितना भी स्ट्रक्चर होगा वो सारा आप लोगों के बीच डिस्कस कर देंगे। तो ये बेसिकली क्लास 12th का जो पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर है उसी का होगा, ठीक है। तो इससे एक ही वीडियो में सारा का सारा जितना भी पी ब्लॉक एलिमेंट में स्ट्रक्चर वहाँ पे बताए गए हैं, तो उन चीज़ों को आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूंगा, उसके बारे में कुछ बातें बता दूंगा। पूरा डिटेल में तो एक एक कंपाउंड के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक रिवीजन के लिए यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। तो इससे बाहर बेसिकली 12th क्लास में अगर स्ट्रक्चर से रिलेटेड आता है पी ब्लॉक एलिमेंट में, तो इससे बाहर नहीं आता है। तो सारा एक ही वीडियो में हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट्स तक यह वीडियो पहुँच जाए और उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो फर्स्ट है हम लोगों का अमोनिया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं NH3 इसको बोला जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे दो लोन पेयर कुछ इस तरीके से ऊपर में नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट रहता है, और ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया उसको वेजडेस स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसमें अमोनिया का जो है यहाँ पे NH का जो बॉन्ड लेंथ है उसके बारे में बताया गया, कितना यहाँ पे 101.7 पिकोमीटर, और यहाँ पे जो इसका बॉन्ड एंगल होता है 107.8 डिग्री होता है। तो ये बात हो गई अमोनिया का, इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होता है। इसको सिंपली लोग कुछ इस तरीके से भी डायरेक्टली बना देते हैं, ठीक है। तो आप एग्जामिनेशन में कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं और कुछ इस तरीके से भी। फिर आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं, फिर आगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन का जो कंपाउंड है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस चीज़ों को आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे जो फर्स्ट दिखाया गया N2O, तो इसका कुछ यहाँ पे जितना भी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस चीज़ के बारे में दिखाया गया। यहाँ पे स्ट्रक्चर और ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे रेजोनेंस के बारे में। तो यहाँ पे बस आप लोग स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ये हो गया स्ट्रक्चर N2O का। फिर यहाँ पे NO का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं N2O3 का स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से NO2 हो गया, और भी यहाँ पे देख सकते हैं N2O4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। फिर एक जो लास्ट हमारा यहाँ पे होता है N2O5 का, तो N2O5 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। तो इन चीज़ों को आप लोग एक बार देख सकते हो, अगर एग्जामिनेशन में आता है तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को ड्रॉ कर देना है, ओके। तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो गया, इस चीज़ को आप लोग एक बार देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे डिटेल कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है नाइट्रिक एसिड का है, जिसको HNO3 हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये H है, N और 3O यहाँ पे दिखाया गया, तो इसी को नाइट्रिक एसिड कहते हैं। और इसका यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ यहाँ का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 102 डिग्री होता है, और जो NO2 का यहाँ पे जो ये दिखाया गया वो 130 डिग्री होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका जो बॉन्ड लेंथ है OH का, यहाँ पे 96 पिकोमीटर होता है, और यहाँ पे जो ON होता है उसका 140.6 पिकोमीटर होता है, और यहाँ पे NO जो होता है इसका जो आप लोग देख सकते हो 121 पिकोमीटर होता है। तो ये यहाँ पे बॉन्ड लेंथ के डिफरेंट डिफरेंट दिखाया गया है। तो ये नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया, एग्जामिनेशन में आता तो आप कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हो। फिर आगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाइट फॉस्फोरस का है, ठीक है, P4 बेसिकली। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग देख सकते हो, इसका जो यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। तो ये वाइट फॉस्फोरस हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं रेड फॉस्फोरस का कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, जो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से चेन बनते हुए जाता है, ठीक है। तो ये रेड फॉस्फोरस हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, मतलब PCl3। तो यहाँ भी वेजडेस जो स्ट्रक्चर है उस चीज़ को दिखाया गया, तो कुछ इस तरीके से PCl3 का होता है। PCl5 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फॉस्फोरस पेंटा
क्लोराइड कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे पी और सी एल के बीच जो बॉन्ड एंगल होता है वो यहाँ पे 202 पिकोमीटर होता है, और इधर का जो होता है ये थोड़ा लॉन्ग होता है, 240 पिकोमीटर होता है कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे आगे आप लोग देख सकते हो H3P, इसको ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड कहा जाता है, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से यहाँ पे 3D मॉडल में दिखाया गया है, आप लोग कुछ इस तरीके से भी इसको बना सकते हो। यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ पर OH और यहाँ पे OH कुछ इस तरीके से भी बना सकते हो। ये बेसिकली जो OH होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे होते हैं, ऐसे इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं H4P2O7, इसको बोला जाता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, H4P2O7 कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ बीच में वो होता है, ठीक है, इसी से इसका लिंकेज होता है POP बॉन्ड, ठीक है, ये इसका लिंकेज है। फिर आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर H3PO3, इसको ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड कहा जाता है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए। फिर आगे यहाँ पे देख सकते हैं H3PO2, इसको कहा जाता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसको आप लोग ड्रॉ कर सकते, बस एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारा चीज़ हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग एक बार, बस एक बार वीडियो को भी देख लीजिएगा तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं HPO3 का हॉल 3, जिसको यहाँ पे बोला जाता है साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड, तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे आप सिंपली भी बना सकते हैं, सिर्फ जो भी एलिमेंट वहाँ पे है उसको, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि मॉडल जिस प्रकार से दिखाया गया एग्जामिनेशन के लिए, यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हो यहाँ पर। फिर यहाँ पे HPO3 का N, तो इसको यहाँ पे बोला जाता है पोली मेटा फॉस्फोरिक एसिड, एक चेन से रिलेटेड N तक जाता है, मतलब आगे चलता जाता है, ठीक है, इसी तरीके से रिपीट होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखा दिया गया है, यहाँ भी जो होता है POP लिंकेज कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, चीज़ यहाँ पे चलता रहता है, फिर आगे कुछ इस तरीके से POP यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया पोलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड। आगे यहाँ पे देख सकते हैं ओजोन का यहाँ पे दिखाया गया स्ट्रक्चर, और दोनों इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा दिया गया। तो इसमें बेसिकली जो यहाँ पे लोन पेयर दिखाए गए उसमें स्टूडेंट को बहुत दिक्कत हो जाता है कभी कभी, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। और बेसिकली अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा हो तो वहाँ से स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ आराम से कर सकते हो। तो ओजोन को बेसिकली यहाँ पे O3 बोलते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, ठीक है। तो ओजोन का काम क्या होता है, इसी के बारे में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं S8 का रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, जिसमें यहाँ पे जो इसका बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री होता है, और SS के बीच जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 204 पिकोमीटर होता है। फिर यहाँ पे आप लोग S6 का भी इसी प्रकार से देख सकते हैं, दो तरीके का होता है, सल्फर का जो एलोट्रोप्स होते हैं, ठीक है, तो ये दो तरीके के होते हैं। यहाँ पे इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 102.2 डिग्री होता है, इसका बॉन्ड लेंथ 205.7 पिकोमीटर होता है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, बेसिकली इसको क्या कहते हैं SO2, इसको तो आप लोग पहले से भी देख चुके होंगे। तो SO2 कुछ इस तरीके से होता है, सिंपल आप लोग देख सकते हो कि ओजोन अभी देखा आपने, उसी तरीके का कुछ यहाँ भी देखने को मिलता है, ठीक है, सेम तो नहीं कह सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ उस तरीके का देखने को मिलता है, और ये दोनों एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख, बेसिकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो लोन पेयर है सर यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, और ये चीज़ यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड यहाँ जा रहा है, और यहाँ पे एक लोन पेयर देख सकते हैं यहाँ पे बढ़ जा रहा है। तो यही होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का इधर उधर होना भी वही होता है रेजोनेंस, ठीक है। फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, नाम से आप लोग देख सकते हैं सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3, एक होता है H2SO4, उसको सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, और यहाँ पे होता है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को देख सकते हो, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे एक लोन पेयर दिखाया गया, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका भी हम लोग बात कर रहे थे, H2SO4 कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। फिर आगे देख सकते हैं ये सारे स्ट्रक्चर जो है एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं, और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं,
डायरेक्टली स्ट्रक्चर दे दिया जाता है वहाँ से क्वेश्चन में। फिर यहाँ पे आगे है H2S2O7, जिसको पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। तो यहाँ पे इसको आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ओ बॉन्ड से लिंकेज करता है कुछ इस तरीके से। फिर आगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसको ओलिम भी कहते हैं, H2S2O7। तो इसके बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो H2S2O7 उसका स्ट्रक्चर होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे यहाँ पे देख सकते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, इसको बोला जाता है HOCl। तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। फिर आगे यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरस एसिड, ठीक है, HOClO, ठीक है, HOClO, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब आगे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से क्लोरिक एसिड, जिसको HOClO2 कहा जाता है, HOClO2, ठीक है, क्लोरिक एसिड होता है, इसका स्ट्रक्चर है। फिर आगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पर क्लोरिक एसिड, जिसको HOClO3 कहा जाता है, जैसे कि HO और ClO3, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो एक बार इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा पूरी वीडियो का फ़ायदा मिलेगा। फिर BrF3, यहाँ पे दो लोन पेयर कुछ इस तरीके से होते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है। फिर आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं XeF2, जो यहाँ पे इसका जो देख सकते हैं लीनियर होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, इसी इसी के कारण इसको लीनियर कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि इसको बेसिकली हम लोग एक एग्जांपल के तौर पर कह सकते हैं, कुछ इस तरीके से कोई भी चीज़ लीनियर क्या होता है सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के बारे में लोन पेयर कुछ इस तरीके से हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। अगर इसी को हम लोग उल्टा कर दें तो लीनियर यहाँ पे कुछ इस तरीके से है इसका, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो XeF4 स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, और यह क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है, स्क्वायर है, एक प्लेनर टाइप का है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं XeF6 का स्ट्रक्चर, ये जो होता है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। कैसा होता है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ये सारी चीज़ आप लोग जो यहाँ पे नाम आ रहा है शेप ज्योमेट्री का, ठीक है, तो वो सब चीज़ आप लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे आप लोग इस चीज़ को पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो ये XeF6 का स्ट्रक्चर हो गया। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं XeOF4, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, और ये क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोन पे कुछ इस तरीके से बॉटम में दिखाया गया। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग XeO3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, सिंपल वे में अगर इसको हम लोग बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मॉडल टाइप का दिखा दिया गया, तो यही चीज़ है बस। तो ये जो होता है पिरामिडल होता है, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो पिरामिड टाइप का लग रहा होगा, अगर एक आप लोगों को आइडिया देना चाहूँ तो, ठीक, कुछ इस तरीके से एक पिरामिड टाइप का, एक पिरामिड है ना, कुछ इस तरीके से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो बस यही हमारा लास्ट स्ट्रक्चर था। तो आशा करता हूँ इन सभी स्ट्रक्चर को देख के आपको ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा किस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो ये सारे एग्जामिनेशन में कभी कभी डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं, और ये स्कोरिंग चीज़ होते हैं, इसमें अगर डायरेक्ट आपको स्ट्रक्चर याद है तो आप इन चीज़ों को डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा इस चीज़ के बारे में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं, यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अपने किसी दूसरे टॉपिक पर।